हाँ जी, वेलकम बैक। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में आप तो आ गए, 21 लोग तो आ गए। अच्छा, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जब भी कोई सवाल तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, सही है? तब यहाँ यहीं पे रहता था ये। जी बेटा, कोई सवाल? अब तक जो चीजें हम देख रहे थे, या जाने से पहले मैं जो बता रहा था, किसी एक बच्चे का सवाल डिस्कशन में था। कौन सा था वो बच्चा जब हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, 40 मिनट पूरे हो गए थे? किसके सवाल को मैं एड्रेस कर रहा था? सर, मुझे एक क्यूरी है। जी बेटा बोलो। सर, ये जो पिज्जा स्टोर वाला, मतलब पिज्जा स्टोर का जो कंस्ट्रक्टर है सर, अगर ये ना होता तो क्या फर्क पड़ता? मतलब ये पूछना है, मतलब फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट ऊपर ही डिफाइन हो गया, तो हमने नीचे उसको विदाउट न्यू के ऑपरेटर के थ्रू हमने काम कर लिया अपना, तो सर अगर पिज्जा स्टोर ना होता तो क्या होता? पिज्जा स्टोर का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता। अब पिज्जा स्टोर का ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो उसमें फैक्ट्री नहीं पास होता, और अगर उसमें फैक्ट्री नहीं पास होता तो क्या होता? अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता पिज्जा का। देखो ना, इस पिज्जा स्टोर के कंस्ट्रक्टर में क्या काम हो रहा है, सिंपल पिज्जा फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट वो इसके पैरामीटर में डिफाइन हो रहा है, और उसमें जो भी वैल्यू आ रही है वो हम किसके हिसाब किसके बराबर कर रहे हैं? फैक्ट्री के बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री एक हमारे पास स्पेसिफिक टाइप है, सही है ना? जिस तरह की फैक्ट्री होगी उस तरह का पिज्जा बनेगा। अब नीचे देखो क्या हो रहा है, ऑर्डर पिज्जा में क्या हो रहा है? सर, ऑर्डर पिज्जा, ऑर्डर पिज्जा में क्रिएट पिज्जा का जो मेथड है वो भी किसके पास है? वो भी फैक्ट्री के पास है। फैक्ट्री के पास जी। सर, ये भी हमारी डिपेंडेंसी ही कहलाएगी ना, ऑर्डर पिज्जा वाली रिटर्न टाइप की डिपेंडेंसी। हाँ। या नहीं, अगर डिसएग्रीगेशन ना होता तो? अगर हम इसको देखें तो अब हमारा क्या रिलेशनशिप है इस वाले मेथड के अंदर? ये वाले मेथड में पिज्जा स्टोर का पिज्जा की क्लास के साथ डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बन रहा है। बिल्कुल सही है जी सर। और किसके थ्रू बन रहा है? पिज्जा के साथ। और कौन से वाले तरीके के थ्रू बन रहा है? रिटर्न टाइप के थ्रू बन रहा है। रिटर्न टाइप भी और लोकल वेरिएबल भी है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे? हम रिटर्न टाइप को कंसीडर करेंगे। लेकिन सर, जब एग्रीगेशन हमारा आ जाता है तो फिर हम डिपेंडेंसी को काउंट नहीं करते ना? यहाँ पे पिज्जा के साथ एग्रीगेशन कहाँ पर आ रहा है बताओ मुझे? नहीं, पिज्जा स्टोर के साथ आ रहा है ना सर एग्रीगेशन, सिंपल पिज्जा फैक्ट्री का। बेटा, पिज्जा के साथ नहीं आ रहा ना, यहाँ पर ऑर्डर पिज्जा का पिज्जा स्टोर वाली क्लास का पिज्जा की क्लास के साथ डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बन रहा है, इसकी वजह से। पिज्जा स्टोर तो अलग क्लास है ना, वो तो अपनी खुद की क्लास है ये वाली, और सिंपल पिज्जा फैक्ट्री अलग क्लास है। यानी इस क्लास में आपको तीन क्लासे नजर आ रही है फिलहाल। जी सर, सही है। तो पिज्जा स्टोर की क्लास का सिंपल पिज्जा फैक्ट्री के साथ तो एग्रीगेशन है, लेकिन पिज्जा स्टोर की क्लास का पिज्जा की क्लास के साथ कौन सा रिलेशनशिप है? डिपेंडेंसी। यस, आ रही है बात समझ में? ये जो एल्सा को मैंने जवाब दिया और लोगों को समझ में आया ना,
हाँ जी, अब और कोई सवाल है तो करें। सर इसको टोटल डिपेंडेंसी भी तो बना सकते थे अगर ऑर्डर पिज़्ज़ा के पैरामीटर। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो थोड़ा सा। हेलो अब आ रही है सर? अब आ रही है बेटा, बोलो। जी मैं बोल रहा हूँ उसको टोटल डिपेंडेंसी भी तो बना सकते थे एग्रीगेशन हटा के, अगर ये ऑर्डर पिज़्ज़ा के पैरामीटर में ही ये सिंपल पिज़्ज़ा फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट देते। हाँ तो हम कब ऐसा करते हैं कि जब हम एग्रीगेशन बताते हैं, क्या बताया था मैंने आपको? जब बहुत सारे मेथड्स को जरूरत हो। बिल्कुल सही है, जब हमें लगता है कि बहुत सारे मेथड यूज करेंगे तो हम एग्रीगेशन रख देते हैं, वरना फिर हम क्या करते हैं, हम डिपेंडेंसी रखते हैं। तो आप ये देखो ना, सिंपल पिज़्ज़ा फैक्ट्री को इन्होंने एग्रीगेशन बनाने की वजह क्या है, कंस्ट्रक्टर में भी यूज हो रहा है, कंस्ट्रक्टर में भी यूज हो रहा है और दूसरे मेथड में भी यूज हो रहा है, इसीलिए इसको इन्होंने डिपेंडेंसी नहीं रखा है, इसीलिए इसको क्या रखा है, बोलो, एग्रीगेशन। हाँ खुद जवाब देते हो माशाल्लाह। जी बेटा और कोई सवाल? सर अच्छा एक और सर की वृद्धि, न्यू का की सर, न्यू का कीवर्ड हमें मतलब हटा के रिप्लेस करके मेजर जो वो फायदा हुआ है वो क्या हुआ सर? अभी देखते हैं क्या फायदा हुआ, आपको क्या लग रहा है? सर समझ नहीं, आपका डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। सही सही है ना, और जब डिजाइन आपके इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंडेंट नहीं होगा तो क्या फायदा होगा? चेंज कर सकते हैं, चेंज उसको किसी और डोमेन में यूज भी कर सकते हैं। जी जी बेटे और कोई सवाल? ये समझ में आता है ऑर्डर पिज़्ज़ा का मेथड? सिंपल पिज़्ज़ा फैक्ट्री के अंदर एक क्रिएट पिज़्ज़ा का मेथड है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो टाइप की बेसिस पे चल रहा है। ऑर्डर पिज़्ज़ा बाहर से जो टाइप देगा वो टाइप इधर पास हो जाएगी और उसकी बेसिस पे पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये पिज़्ज़ा स्टोर की क्लास बिल्कुल क्लीन क्लास है, ये इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंडेंट, बोलो, नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। सर अच्छी एक और क्वेरी थी सर। सर जैसे मुझे एक चीज याद आ रही थी, वो ये कि जब किसी दो क्लासेस के दरमियान एग्रीगेशन आ जाता है तो फिर अंदर कितनी भी डिपेंडेंसी आ जाए हम उसको काउंट नहीं कर रहे होते हैं। सर तो अब ये जो ऑर्डर पिज्जा की जो डिपेंडेंसी बन रही है ये किसी तीसरी क्लास से बन रही है, तो हम इसको काउंट करेंगे या इसको भी नहीं करेंगे? ऑर्डर पिज़्ज़ा की डिपेंडेंसी बिल्कुल काउंट करेंगे, पिज़्ज़ा की क्लास के साथ बन रही है ना? जी सर बिल्कुल करेंगे। ऑर्डर पिज़्ज़ा कौन सी क्लास का मेथड है? पिज़्ज़ा स्टोर का मेथड, पिज़्ज़ा स्टोर का। तो पिज़्ज़ा स्टोर का दो रिलेशनशिप्स हैं, एक तो सिंपल पिज़्ज़ा फैक्ट्री के साथ वो एग्रीगेटेड है और वो डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप है उसका कौन सी क्लास के साथ? पिज़्ज़ा की क्लास के साथ। बिल्कुल सही सही। चलिए देखिए अब ये क्या कह रहे हैं कॉन्सेप्ट। हाँ जी, सिंपल फैक्ट्री जो डिजाइन पैटर्न नहीं है उसका क्या कॉन्सेप्ट है? उसका कॉन्सेप्ट है कि पुल द कोड दैट बिल्ड्स द इंस्टेंसेस आउट एंड पुट इट इनटू अ सेपरेट क्लास। और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो वाले एस्पेक्ट्स अपनी प्रोग्रामिंग के आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो सेम रहते हैं या जो चेंज होते हैं उसको अलग जगह पे कर दोगे, जो सेम रहता है उसको अलग जगह पे कर दोगे। जी कोई सवाल? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो पूछें बिना झिझक।
एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू या जो समझ में नहीं आ रहा हो? सर बात तो समझ में आ गई, लेकिन किसी एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दें तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। सही है, तो ये एग्जांपल ये वाली समझ में नहीं आई? स्ट्रक्चर इसका ये देखो, सिंपल फैक्ट्री पैटर्न का। जी भाई ये डायग्राम को समझ में आता है? हमारे वाले केस में प्रोडक्ट की जो क्लास है वो कौन सी है? बोलो, पिज्जा की होगी ना सर? पिज्जा की होगी। कॉन्क्रीट प्रोडक्ट ए, कॉन्क्रीट प्रोडक्ट बी, कॉन्क्रीट प्रोडक्ट सी क्या है? चीज पिज्जा और सर और टाइप्स होंगे, चीज पिज्जा, पेपरोनी पिज्जा, सॉसेज पिज्जा, वेजी पिज्जा, ये है। सिंपल फैक्ट्री कौन सी है हमारी? हमारी पिज्जा फैक्ट्री क्या है? सिंपल फैक्ट्री है, ठीक है। और उसके पास कौन सा मेथड था पिज्जा फैक्ट्री के पास? क्रिएट पिज्जा का मेथड था। तो क्रिएट पिज्जा का मेथड क्रिएट प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा। और क्लाइंट कौन सा था हमारा? पिज्जा स्टोर था सर। वेरी गुड, पिज्जा स्टोर हमारा क्लाइंट था, जिसके पास कौन सा मेथड था? ऑर्डर पिज्जा का। यहाँ पर ऑर्डर प्रोडक्ट आ रहे, समझ में आ रहे हैं? अब हमने हमारे कोड को एक वेल एनकैप्सुलेटेड कोड बना दिया है। सही है, सिंपल फैक्ट्री पैटर्न सर, सिंपल फैक्ट्री को पैटर्न नहीं कहो पूरा, ये भी एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। पैटर्न क्या है वो आगे पढ़ा रहा हूँ, वो फैक्ट्री मेथड है। अब तक जो आपने पढ़ा ये स्ट्रक्चर तो है, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात से, लेकिन ये प्रॉपर गैंग ऑफ फोर का डिजाइन पैटर्न नहीं है। आगे बात समझ में? एक बिस्किट भी ला दो यार। हाँ जी, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर मुझे एक दफा अगर ये बता दें सर कि जैसे सर सर जैसे हमने जो है वो स्ट्रेटेजी में हमने बोला था कि बिहेवियर का फर्क आएगा, तो हम फिर काम अपना शुरू करेंगे स्ट्रक्चर उस पे काम करना उसके हिसाब से, स्ट्रेटेजी पैटर्न के हिसाब से। सर इसमें ऐसा क्या मेन इशू दिखे तो हम इस पे काम करें, मतलब फैक्ट्री पैटर्न पे? सर वो क्लाइंट को एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट की कोई ना कोई कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो ये वाला डिजाइन पैटर्न जो बनाया गया है वो क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट देने का सोचते हुए बनाया गया है। और स्ट्रैटेजी पैटर्न जो बनाया गया था वो क्लाइंट को किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई स्पेसिफिक बिहेवियर देने का सोचते हुए बनाया गया है। फर्क समझ में आ रहे? जी सर। हम उसको बिहेवियरल पैटर्न कह रहे थे और इसको हम क्रिएशनल पैटर्न कह रहे थे। सर ऑब्जेक्ट क्रिएशन मतलब कोड में बहुत अच्छी खासी जगह होती है जहाँ आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे होते हैं, तो हम सिर्फ जो है वो क्लाइंट को जो हमें कैटेगरीज दिखानी है सिर्फ उस तरह की ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हम इसको यूज करेंगे? जी, जब कोर पर्पस हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का हो तो हम क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न की बात करेंगे,
लेकिन जब कोर पर्पस हमारा कोई बिहेवियर असाइनमेंट हो तो हम बिहेवियरल की बात करेंगे, और कोर पर्पस हमारा हमारे स्ट्रक्चर से किसी तरह से फायदा उठाना हो तो हम स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न को अकोमोडेट करेंगे। जी और कोई सवाल? सर हम इसके साथ और भी पैटर्न यूज कर सकते हैं स्ट्रेटेजी पैटर्न, जैसे कि अगर अब पिज्जा बन रहा है, जैसे कि पेपरोनी बन रहा है या फाइटा बन रहा है, तो उसमें फिर उसका बिहेवियर चेक कर सकते हैं। जैसे बताया मल्टीपल ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसमें 5 या 6 पैटर्न एक साथ यूज हो रहे होते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। सर ऐसे वर्बली आप जरा समझा सकते हैं कि अगर जैसे इन्होंने बात करी कि बिहेवियर अगर हम पिज्जा बना रहे तो पेपरोनी का अलग होगा इस तरह, तो सर इसको किस तरह से मर्ज करेंगे, ऐसी वर्बली अगर आप समझा दें। बिहेवियर में हमारे पास लेट सपोज एक बिहेवियर है जिसका नाम है लाल मिर्ची, ठीक है, और वो लाल मिर्ची वाला बिहेवियर कुछ पिज्जा में चलेगा कुछ में नहीं चलेगा। सही है सर। क्लाइंट को कौन सा पिज्जा देना है या ना देना, इसके लिए हम सिंपल फैक्ट्री यूज कर सकते हैं, और किस पिज्जा को लाल मिर्ची मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके लिए हम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, या स्पाइस के नाम का हमारा एक बिहेवियर है। और स्पाइस हमारे पास 3 तरह की है, हमारे पास लाल मिर्ची है, हमारे पास हरी मिर्ची है, हमारे पास गर्म मिर्ची है मिसाल के तौर पर। तो कौन से पिज्जा को हमने लाल मिर्ची देनी है, कौन से पिज्जा को गर्म मिर्ची देनी है, कौन से पिज्जा को हरी मिर्ची देनी है, इसके लिए हम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। और क्लाइंट को कौन सा पिज्जा देना है इसके लिए हम फैक्ट्री यूज कर सकते हैं, सिंपल फैक्ट्री यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसका पूरा सोल्यूशन बनाए तो हम इसमें 2 डिजाइन को अकोमोडेट करेंगे, क्लाइंट को पिज्जा देने के लिए हम सिंपल फैक्ट्री करेंगे, और कौन से पिज्जा को स्पाइस में क्या देना है उसके लिए हम स्ट्रेटेजी करेंगे। ठीक है, सही है सर। तो जी सर, जैसे अब स्पाइस है, स्पाइस के नीचे मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो स्पाइस जो है वो हमारा इंटरफेस बनेगा, उसका स्पाइस का इंटरफेस बनेगा, ग्रीन स्पाइस, रेड स्पाइस और हॉट स्पाइस, ये 3 उसकी क्लासेस होंगे जो उसको इंप्लीमेंट करेगी। कंक्रीट प्रोडक्ट्स में से कोई ग्रीन स्पाइस को यूज कर रही होगी, कोई रेड स्पाइस को यूज कर रही होगी, कोई हॉट स्पाइस को यूज कर रही होगी। सही है। तो सर स्पाइस की क्लास को हम प्रोडक्ट से जोड़ेंगे, जैसे डक इधर कौन बनेगा, मतलब स्पाइस के लिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। सही है सर। यही काम तो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में करना है, एक प्रोजेक्ट को उठा के उसमें देखना है कौन से 6 या 7 डिजाइन पैटर्न आप उसमें अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, भाई कोई सवाल? ये सिर्फ इल्सा को समझ में आ रहा होता है, किसी और को नहीं आ रहा होता क्या? चले आगे भाई, खत्म हुआ, खाना शाना खा लिया तुम लोगों ने? वेरी गुड, क्या खाया फहद भाई? बिरयानी खाई है किसी ने? ओ नहीं खाई है बिरयानी। क्या बात है फाज भाई, कौन सी कड़ी खाई आपने? वो दही वाली कड़ी जो होती है माज भाई, वो पकोड़े वाली? बिरयानी तो इतवार का दिन फिक्स है ना। अच्छा, बिरयानी इतवार का दिन फिक्स है, चलो सेट है। वो उसकी रहमान की बिरयानी ट्राई करो भाई, रहमान की रेसिपी शेयर हुई है, हमारे घर में बनी थी 2-3 दिन पहले, तो बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह बनी और इट वाज टू गुड। हां शेयर तो ये सर रहमान की। चलें जी,
इसको पढ़े अब जरा। अब ये आ गया आपका एक्चुअल डिजाइन पैटर्न गैंगो 4 वालों का। सिंपल फैक्ट्री क्या है, ठीक है एक डिजाइन पैटर्न कह सकते हैं, लेकिन एक बेसिक बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, जब हमारा मसला ऑब्जेक्ट क्रिएशन का हो तो उसमें वो चीज जो चेंज हो रही है और वो चीज जो सेम रहती है उसको अलग अलग कर दे, यानी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से एनकैप्सुलेट कर दे। ये हमें सिंपल फैक्ट्री पैटर्न ने एक कॉन्सेप्ट दिया। अब हम गैंगो 4 का ऑफिशियल पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्ट्री मेथड। ये क्या कहते हैं इसको देखें, आज इसके 9 मिनट। जी डेफिनेशन क्या है, फैक्ट्री मेथड पैटर्न डिफाइंस एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट but let the subclasses decide which class to instantiate. Factory method क्या करता है, एक interface define करता है जिसके through object create हो सके, लेकिन ये फैसला कि कौन सा object बनेगा ये फैसला कौन करेगा, ये फैसला subclasses करेंगी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि factory method lets a class defer instantiation to subclasses. Defer का मतलब क्या है, इधर डिले कर देना। तो फैक्ट्री मेथड डेफर कर देता है इंस्टेंशिएशन को अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लासेस के लिए। क्लियर है, इसको पढ़ें 2-3 बार। जी भाई पढ़ा, कोई कंफ्यूजन कोई सवाल? चलें जी देखें, एफर से मतलब देर कर देना, डिले कर देना। हमारा पर्चा कौन से देने, मिड टर्म? अबे 8 तारीख को बुधवार दिन, ठीक हो गया। इस बार थर्सडे को है। अच्छा ये याद रखना कि इस बार जी सर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल लास्ट मंथ आपने कन्वर्ट करके पीडीएफ में जमा कराना है, सही है? ठीक है सर। और हर कॉपी का मैं इंशाल्लाह एक 10 मिनट का वायवा लूंगा, एक मीटिंग टाइम होगा, इसमें सीआर आया हुआ होगा, मैं होगा और एक एक करके बच्चा आता रहेगा 10-10 मिनट को। तो जो आपने पेपर दिया हुआ होगा मेरे सामने होगा, उस पेपर पे मैं आपसे सवाल करूंगा 10-10 मिनट के, फिर मैं आपके मिड टर्म के नंबर लगाऊंगा। तो ये हमारा इरादा है इस बार का इंशाल्लाह। सेम डे तो नहीं हो सकता बेटा, मैं बताऊंगा वाइवा का, बता वाइवा हम अनाउंस करके लेंगे लेकिन ड्यूरिंग क्लास टाइम नहीं लेंगे, क्लास टाइम दिन ना करेंगे, ठीक है?
2 hours का टाइम नहीं, अब तो आपके पास 5 घंटे का टाइम है। अगर आपकी लाइट नहीं जाती आप 2 घंटे के अंदर अंदर जमा करा देंगे, अगर लाइट जाती है तो फिर आप लेट जमा करें। लाइट चली गई, लाइट का अब्बा चला गया, 5 घंटे के बाद एक्सेप्टेबल नहीं हो, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर में तो वाई वाई नहीं लिया था बेटा, माफ करके सबको छोड़ दिया था राहिल भाई। इस बार इट विल नॉट बी इजी, इसने खुद किया होगा वो पास होगा, बाकी लोग नहीं होंगे। चलें जी, किसका वाइवा किसका क्विज रह गया था सीआर बताओ मुझे। सीआर बास खान बिलाल जी, बिलाल भाई मौजूद हैं? माइक खोले अपना। यस सर एवरीवन। बिलाल भाई आप ही हैं? जी जी। अब मुझे ये डायग्राम देख के बताओ, इसमें और सिंपल फैक्ट्री में तुम्हें क्या फर्क नजर आता है? सर इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमारी हो रही थी, सिंपल फैक्ट्री क्रिएशन नहीं हो रही थी? नहीं सर हो रही थी। डिजाइन में जो सिंपल, जी जी सर मैं वही बता रहा हूँ, लाइक सिंपल फैक्ट्री के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रही थी, और ये लिखा हुआ था नीचे सर डेलीगेटेड हो रहा है इसमें अंदर के हमारे पास चाइल्ड क्लासेस डिसाइड कर रहे हैं बेसिकली के वो तो इसकी डेफिनेशन हो गई ना इस, वो तो चलो उसको तो छोड़ दो, उसको तो डिस्कस कर रहे हैं अभी आगे जाके। इस स्ट्रक्चर में मेजर फर्क क्या नजर आता है देन कंपेयर टू सिंपल फैक्ट्री? सर इसके अंदर एक कंक्रीट क्रिएटर भी हमारे पास आया जिसका रिलेशन है इस आर का फैक्ट्री मैनेजर से, मतलब क्रिएटर की क्लास से। हमारे पास एक क्रिएटर की अलग क्लास करती है एब्स्ट्रैक्ट, उसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाती है। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास क्रिएटर की क्लास नहीं थी सर? वहां पर एक हमारे पास कंक्रीट क्लास बनी हुई थी ना। ठीक है, यहाँ पर क्रिएटर की एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्स्ट्रा आ रही है, ये कहना चाह रहे हो? जी सर। ये तो इससे क्या क्या समझ में आया तुम्हें? सर अब हम इससे ये फर्क आया कि डायनेमिक अगर हमें जो भी काम करना होगा ना तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी बट हमारे लिए काम इजी हो जाएगा। लाइक यूजर, अगर हमें यूजर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं तो उसमें एडवांटेज होगा। ठीक हो गया सीआर, इसको 7 नंबर दो। बिलाल बुशरा बाकी है जी भाई, बिलाल भाई मौजूद हैं? सर अभी दिया है ना मैंने। अच्छा बुशरा आपने देना है, आप इस कंडीशन में हैं कि आप वाइवा दे सकें? बुशरा लियाकत खान आर यू इन द क्लास? आवाज खराब हुई क्या हुआ है?
चले फिर आपको कोविड की वजह से फिर कभी और देख लेंगे कुछ नंबर काट के कुछ, क्योंकि कंसिडरिंग कि आप कह रही हैं कि आपको कोरोना हुआ था, नेक्स्ट क्लास में फिर कभी मौका होगा तो मैं देख लूंगा क्या हो सकता है। सही है जी भाई, मेजर डिफरेंस इन दोनों में। इन दोनों में फैक्ट्री मेथड पैटर्न में और सिंपल फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट में कौन बताएगा? इस बच्चे ने काफी हद तक जवाब दे दिया था, क्रिएटर की साइड पे इनहेरिटेंस हायरार्की हो, बस ये फर्क है। बात आ रही है समझ में? सिंपल फैक्ट्री में प्रोडक्ट की साइड पे तो इनहेरिटेंस हायरार्की थी। इनहेरिटेंस हायरार्की से क्या मुराद है? इनहेरिटेंस हायरार्की से क्या मुराद है? बुशरा बेटा नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चैट में नहीं, मैं सामने लूंगा और आप लोगों का वाइवा वीडियो के साथ होगा, जो मिड टर्म का वाइवा होगा ये मैं आपको बता दूंगा। उस टाइम पे मैं वॉइस भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो अगर आप लोगों ने पर्दा वर्दा करना हो तो बेशक आप पर्दा करके भीड़ वगैरह पहन के आए, लेकिन जो मिड टर्म का वाइवा होगा वो 10 मिनट का वाइवा हर बच्चे का ऑन कैमरा होगा। अगर आपका कैमरा वैमरा नहीं चल रहा तो आपका 0 मार्क होगा मिड टर्म के वाइवे में। ठीक है सर, वैसे मेरे लैपटॉप का कैमरा खराब हुआ है, सही कह रहा हूं, मोबाइल से आ गया तो इशू नहीं होगा। हाँ, रिपेयर के लिए मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, लैपटॉप दिया था वो 1-2 हफ्ते बाद मिला था। मोबाइल पे आ जाएगा, मैं आप सामने नजर आने चाहिए बोलते थे, व्हाट्सएप पे करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट हैज ठीक है सर, फेस टू फेस। सही है सर, ठीक है। हाँ जी, समझ में आई ये बात जो मैंने बताई? कोई सवाल इसमें? दोबारा बताइएगा। मैंने ये बोला है कि सिंपल फैक्ट्री में क्रिएटर की साइड के ऊपर इनहेरिटेंस हायरार्की मौजूद नहीं थी, लेकिन फैक्ट्री मेथड में क्रिएटर की साइड के ऊपर इनहेरिटेंस हायरार्की मौजूद है। हाँ जी, अब आया समझ में? आप राइट साइड के देखे, राइट साइड वाली कौन सी साइड है? क्रिएटर है, क्रिएटर की एब्स्ट्रैक्ट इंप्लीमेंटेशन भी है और कंक्रीट भी है। इसका क्या रिलेशनशिप है? इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है। और अगर आप इसके साथ ये देखें तो यहाँ पर फैक्ट्री की साइड पे, फैक्ट्री की साइड कौन सी साइड है? क्रिएटर की साइड है, तो फैक्ट्री की साइड के ऊपर यहाँ पर कोई इनहेरिटेंस हायरार्की इन्वॉल्व, बोलो, इन्वॉल्व नहीं हो रही फैक्ट्री साइड पे तो नहीं होगी, तो लेकिन तो प्रोडक्ट ने फिर प्रोडक्ट के साइड पे आ रही है। हाँ, तो प्रोडक्ट की साइड पे तो दोनों में, प्रोडक्ट की साइड पे तो दोनों में, लेकिन क्रिएटर थोड़ा स्ट्रेटेजी पैटर्न टाइप नहीं लग रहा प्रोडक्ट का जो जैसे हुआ हुआ है। हाँ, लेकिन बेटा मैंने वो डिफरेंस तो पहले ही बता दिया ना कि ये जो हो रहा है ये किसके लिए? ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए है। ठीक है सर, वो किसके लिए था? वो बिहेवियर के लिए था। ठीक है, तो डिजाइन स्ट्रक्चर तो सेम हो सकता है दो डिजाइन पैटर्न्स का, लेकिन उसकी इंटेंट अलग अलग होगी और उसका मकसद क्या होगा वो अलग अलग होगा। बेसिकली जो क्रिएटर हम इसलिए कर रहे थे कि क्रिएटर की उसमें जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसमें हमें बार बार चीजें चेंज ना करना पड़े, वही जो कंटेनराइज वाली बात हो गई कि हम सबको एक तरीके से कंटेनर्स में कर लें। यहाँ पर हर प्रोडक्ट के लिए कंक्रीट क्रिएटर्स क्या है? अलग है। ठीक है सर, और हर प्रोडक्ट जो है वो किसके थ्रू क्रिएट होगा? वो कंक्रीट क्रिएटर के थ्रू क्रिएट होगा। हाँ जी, और कोई सवाल? यार चैट के बदले माइक में बोलो ना, चैट में बार बार मुझे स्क्रीन की वजह से मैं बंद करता हूँ, फिर वो खोलने में मुझे मेरा कर्सर अटकता है, आपका चैट मैसेज आ जाता है। सर मेरा क्वेश्चन है, बोलो बेटा बुशरा क्या क्वेश्चन है? कंक्रीट प्रोडक्ट और उसके साथ एग्रीगेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है, हैज अ रिलेशनशिप आ रहा है। कंक्रीट क्रिएटर का कंक्रीट प्रोडक्ट के साथ हैज अ रिलेशनशिप है, यानी
कॉन्क्रीट प्रोडक्ट जो है वो एग्रीगेशन के थ्रू किसको कॉल कर रहा होगा, कॉन्क्रीट क्रिएटर को कॉल कर रहा होगा। क्रिएटर के साथ कॉन्क्रीट क्रिएटर का रिलेशनशिप है जी, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप नहीं है, इनहेरिटेंस है। इसा लिखा हुआ है ना बेटा, तो ये इसा जो है, जहां मेरा कर्सर देखो, ये वाला मेरा कर्सर, तो इसा बेसिकली इनहेरिटेंस है, ये भी इनहेरिटेंस है, और ये हैज़ा जो है ये क्या, ये एग्रीगेशन है। सर तो हमारे पास सिंपल फैक्ट्री में हमारे पास जो पेरेंट क्लास थी वो आपस में एग्रीगेट हो रही थी, और यहाँ पे सब क्लासेस एग्रीगेट हो रही हैं, ये फर्क है। बिल्कुल ये फर्क है। और सिंपल फैक्ट्री के अंदर हमारे पास क्रिएटर की साइड के ऊपर इनहेरिटेंस हायरार्की नहीं थी, यहाँ पर लाजमन नहीं थी, यहाँ पर लाजमन जी। सही है सर। सर तो जैसे सब क्लास लेवल पे हमारे पास एग्रीगेशन हो रही है, तो सर हम किसको किसके साथ, मतलब कोई एग्जांपल अगर ऐसे कोड है इसका, कॉपी कोड देखते इसका फैक्ट्री का कोड भी पूरा देखते हैं। सही है सर। अभी सिर्फ इस कांसेप्ट को ग्रैब करो, फैक्ट्री का कोड भी दिखाता हूं, कोड देखते हैं। अब इसको देखें, अगर हमारे पास कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट हो, यानी प्रोडक्ट की साइड पे हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस हायरार्कीज हो, यानी फैमिलीज ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, और एक प्रोडक्ट नहीं हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, और वो हर प्रोडक्ट की बहुत सारी सब क्लासेस हो, जब ऐसा सिनेरियो आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। जब ऐसा सिनेरियो आ जाएगा तो फिर हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन जी। इसको पढ़ें। सब क्लासेस आउट ऑफ हैंड कब निकलती है? कहता है फैक्ट्री को आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। सही है, वो तो हमने बना दिया था फैक्ट्री मेथड तक भी। अब इंस्टेड ऑफ सब क्लासेस फॉर द प्रोडक्ट, सब क्लासेस फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये बात समझ में आती है? सब क्लासेस फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसी कोई मिसाल जहन में आती है? लेस देन अ मिनट रह गया, मैं फौरन रीकनेक्ट करूंगा। सही है। जी, कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट कोई सोच सकता है? जैसे अगर